YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मार्केट का ब्रॉडर व्यू है, ग्लोबल मार्केट हमारा क्या कर रहा है, जिसमें हम मुख्य रूप से डॉ जोन्स के बारे में देखेंगे, क्रूड ऑयल देखेंगे, गोल्ड का प्राइस क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, साथ ही साथ हम निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी आईटी और जो सेंसेक्स है, साथ साथ जो निफ्टी जूनियर है जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप ब्रॉडर व्यू मतलब नेक्स्ट एक वन वीक में क्या हो सकता है उसको आप जान पाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में जैसा कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, निफ्टी जब तक हमारा इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है जो कि हमारा है 17,250, तो जब तक 17,250 को ब्रेक नहीं करके क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक हम इसमें वीक नहीं होंगे। यहां पर क्लोजिंग हो चुका है, देखिए पिछला दिन जो क्लोजिंग है वो 250 के नीचे हुआ है। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट होगा 17,000 को ब्रेक करते हैं तो डायरेक्ट हम यहां पा सकते हैं नीचे जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है 17,000 ब्रेक होने के बाद वो इस रीजन पे बनता है, वो है 16,200। तो यहाँ पर 16,200 से लेकर के 250 के बीच जो है सपोर्ट बन सकता है अगर यहाँ पर 17,000 ब्रेक करता है, क्योंकि 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे निफ्टी यहाँ पर आया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दे सका, तो 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसको देखना होगा। यहाँ पर ब्रेक होता है तो फिर हम और काफी ज्यादा नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मार्केट में कोई बुलिश साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है निफ्टी थोड़ा साइडवेज रहे। साइडवेज होने के बाद अगर ऊपर की ओर रेंज ब्रेक करता है तो हम बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मार्केट में जो बुल रैली था उसका अभी कोई फिलहाल चांस नहीं है। और पहली बार हुआ है जब पिछले दिन मैंने यहाँ पर 17,250 के नीचे क्लोजिंग दिया है तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग और एक शार्प वीकनेस देखने मिला है। और वहीं हम बात करें दूसरे जो इंडेक्स है सेंसेक्स, तो सेंसेक्स भी निफ्टी के समान ही यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुका है जो कि है 58,000, और इसको ब्रेक करने के बाद इसमें भी काफी ज्यादा वीकनेस देखने मिला है। फिर उसके बाद है निफ्टी जूनियर जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये अभी भी मतलब निफ्टी के और सेंसेक्स के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी और सेंसेक्स लगातार वीक देखने मिला है लेकिन अभी भी ये अपने सपोर्ट रीजन जो कि है 42,000 का उसको ब्रेक नहीं किया। जब तक 42,000 को निफ्टी जो नेक्स्ट 50 है जिसको हम निफ्टी जूनियर के नाम से जानते हैं ब्रेक नहीं कर देता है तब तक ये वीक नहीं होगा। तो अभी भी निफ्टी जो नेक्स्ट 50 है वो काफी स्ट्रांग है। उसके बाद आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक तो काफी ज्यादा वीक है, देखिए बैंक सेक्टर पहले से ही वीक है और जो एक्सिस बैंक हो गया आपका, इंडसइंड बैंक हो गया, उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला है। और यहाँ पर देखिए बैंकिंग सेक्टर तो काफी ज्यादा धराशायी हो चुका है, यहाँ पर लगभग 20% का गिरावट हो चुका है बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ पर जो बैंक में इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 36,000 जिसके आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, और फिर होगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल वो होगा 34,300 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर यहाँ पर हम 36,000 को ब्रेक कर देते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम 34,300 तक आ सकते हैं जो कि यहाँ पर सपोर्ट रीजन बनता है इस 36,000 के बाद। अभी बैंक निफ्टी फिलहाल सपोर्ट के पास ही, हो सकता है अगले दिन ये सपोर्ट को ब्रेक कर दे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा वीकनेस देखने मिला है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए फिर है निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में भी यहाँ पर देखिए सपोर्ट रीजन ब्रेक हो चुका है तो इसमें भी काफी ज्यादा वीकनेस देखने मिल सकता है आने वाले वीक में। फिर है निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप अभी भी देखिए यहाँ पर अपने सपोर्ट रीजन के पास है, तो देखिए स्मॉल कैप अभी भी सपोर्ट रीजन के पास है इंडेक्स, मतलब अभी भी स्मॉल कैप में उतना ज्यादा शार्प सेलिंग देखने नहीं मिला है जो कि फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर हैं। निफ्टी स्मॉल कैप अभी भी सपोर्ट रीजन क्या है, सपोर्ट रीजन को ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद आते हैं निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर काफी वीक है। उसके बाद आते हैं निफ्टी आईटी। आईटी सेक्टर भी देखिए यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है। आईटी सेक्टर तो अपने सपोर्ट के पास है, सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इसमें वीकनेस देखने मिल सकता है। फिलहाल आईटी सेक्टर काफी जबरदस्त रूप से स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है फार्मा। देखिए मार्केट में गिरावट हो रही है, फार्मा सेक्टर लगातार ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं कहीं फार्मा भी स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। इसका रीजन है कि कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ केस, कोरोना वायरस के केसेस फिर से एक बार बढ़ता हुआ देखने मिला है। फिर उसके बाद फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर भी काफी जबरदस्त रूप से वीक है, देखते हैं पूरी तरह से यहाँ पर लुढ़क रहा है फाइनेंस सेक्टर, तो फाइनेंस सेक्टर में भी काफी जबरदस्त वीकनेस है। उसके बाद है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर में भी काफी वीकनेस, यहाँ पर सपोर्ट रीजन अपना ब्रेक कर चुका है, यहाँ पर जो
मतलब दूसरा जो सपोर्ट रीजन है उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस सपोर्ट रीजन को अगर ब्रेक करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रीजन होगा 10,250 इसका सपोर्ट रीजन मिल जाएगा जो कि यहाँ के आसपास होता है। फिर है मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर में भी अभी वीकनेस कुछ खास नहीं है, सपोर्ट रीजन के पास ही है। तो देखिए कुछ सेक्टर है जो कि अभी भी सपोर्ट रीजन पे है, तो यहाँ पर अगले दिन ब्रेक हो सकता है सपोर्ट रीजन, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है काफी वीक है। फिर यहाँ पर देखिए रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर भी सपोर्ट रीजन के पास है, अभी वीकनेस नहीं आया है। जिसका सपोर्ट टूटा उस सेक्टर में काफी ज्यादा वीकनेस आपको देखने है। इंफ्रा सेक्टर भी सपोर्ट रीजन के पास है, इसमें भी अगले दिन अगर सपोर्ट रीजन ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन होता है और क्लोजिंग देता है तो निश्चित रूप से वीकनेस देखने मिलेगा इन सभी सेक्टर्स में हमें। अब देखिए फिर है मीडिया सेक्टर, तो मीडिया सेक्टर तो काफी स्ट्रांग है, मतलब आईटी सेक्टर और मीडिया सेक्टर साथ ही साथ फार्मा सेक्टर, ये सब काफी स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, खास करके आईटी सेक्टर काफी स्ट्रांग है। फिर देखिए आईपीओ, जो आईपीओ इस साल आए हैं वो भी काफी स्ट्रांग है, मतलब आईपीओ जो आए हैं जिसका कंट्रीब्यूशन इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा है वो काफी स्ट्रांग है। तो इसका जो हमने एनालिसिस किया, इसका मुख्य एनालिसिस क्या हुआ, अगर आपको इस गिरावट में बाय करना है तो वो सेक्टर कौन सा है, आईटी सेक्टर। वो सेक्टर कौन सा है, मीडिया सेक्टर, जिसमें आप इस गिरावट में बाय कर सकते हैं। वो सेक्टर कौन सा है, फार्मा सेक्टर। ये तीन सेक्टर निकल के आ रहा है जो कि काफी मतलब यहाँ पर स्ट्रांगनेस दिखा रहा है इस गिरावट में। तो जब आप स्ट्रांग सेक्टर के स्ट्रांग स्टॉक्स में निवेश करते हैं इस गिरावट में तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हर सारे अच्छे स्टॉक्स को ऊपर ही जाना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी स्टॉक्स को गिरावट में ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो आपको जो सेक्टर काफी स्ट्रांग है उसके साथ जाना चाहिए। कभी भी वीक सेक्टर के स्टॉक्स को आपको नहीं लेना है किसी भी गिरावट में शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखिए हमने बात कर लिया जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा मार्केट है। अब देखिए ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स काफी ज्यादा वीक है। देखिए यहाँ पर डाउ जोन्स में यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन है काफी जबरदस्त रूप से ब्रेक हुआ और यहाँ पर काफी जबरदस्त रूप से नीचे क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स अगले दिन कैसे ट्रेड करता है अगर ये यहाँ पर सपोर्ट रीजन के पास आ जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट का। ग्लोबल मार्केट में हम खास करके यूएस का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स उसको हम फॉलो करते हैं। इसे हम खास करके जो मार्केट का ब्रॉड व्यू है ग्लोबल मार्केट का उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाउ जोन्स की बात करें, ये अपने सपोर्ट रीजन को काफी बेहतर रूप से यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। अब देखिए यहाँ जो गैप डाउन हुआ ये गैप डाउन अब फील होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा शार्प वीकनेस देखने मिला। अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर लगातार अगले दिन के नीचे को ट्रेड करे, अगर नीचे ट्रेड करता है तो इसका जो सपोर्ट रीजन बनता है वो है 33,830 का, तो ये इसका सपोर्ट रीजन है, यहाँ तक आ सकता है। अगले वीक हम देखेंगे कि डाउ जोन्स किस तरह से ट्रेड करता है, अपने सपोर्ट रीजन के पास लगातार ये मतलब गिरते हुए आता है तो निश्चित रूप से समझिए कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग है, मतलब पैनिक सेलिंग हो रही है। इसलिए आपको अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बाइंग करने के लिए, थोड़ा सा गिरने देना है, रिवर्सल का वेट करना है। अगर यहाँ पर कोई साइडवे मोमेंटम बनाता है, साइडवेज मोमेंटम बनाने के बाद रेंज को ऊपर ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से हम तब खरीदारी करेंगे। अब देखिए उसके बाद है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जैसे भारत जो है अपने रिजर्व ऑयल को यूज करेगा तो जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट हुआ है और यहाँ पर आपको देखने मिला है कि एक दिन में यहाँ पर लगभग जो है 600 से ज्यादा का गिरावट हुआ है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 600 से ज्यादा का गिरावट, तो जो दिखाता है कि यहाँ काफी ज्यादा मतलब शार्प सेलिंग हुआ है। उसके बाद फिर है गोल्ड, देखिए गोल्ड का प्राइस भी काफी जबरदस्त रूप से यहाँ पर पिछले सप्ताह जो है यहाँ पर गिरा है, तो आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं डिप पर, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट लगातार गिरेगा तो गोल्ड का प्राइस निश्चित रूप से फिर से ऊपर जाएगा, तो इस गिरावट में आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं गोल्ड को। इसके लिए आप गोल्ड के ETF को बाय कर सकते हैं या आप डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर है बिटकॉइन, देखिए बिटकॉइन में भी काफी ज्यादा यहाँ पर शार्प सेलिंग हुआ है। यहाँ पर जो बिटकॉइन है मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर इंटरेस्ट रेट लगाने की बात की जा रही है, जिसके कारण और भारत में भी क्रिप्टो करेंसी पर थोड़ा सा मतलब जो है उसको रेगुलेट करने की बात किया जा रहा है, बैन नहीं उसको रेगुलेट किया जाएगा, और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उसको बैन किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर इसमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला है। उसके बाद फिर है यूएस डॉलर, तो देखिए जो यूएस डॉलर है वो काफी स्ट्रांग हुआ है। यहाँ पर हमारा जो रुपया है वो वीक हुआ है क्योंकि पहले एक यूएस डॉलर 73.80 था, अब ये हो चुका है एक यूएस डॉलर 74.95। मतलब यहाँ पर डॉलर जो है स्ट्रांग हो रहा है, ये डॉलर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है,
जो हमारा डॉलर और रुपया है उसके बीच का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा आज का मार्केट का एनालिसिस, जिसमें हमने कई सारे ब्रॉडर इंडेक्स को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।